Assalamualaikum, dear students of nursery class. How are you? I'm your math teacher from Philip School of Tomorrow, City Campus, Bilwal. It's your lecture number 1, Counting. आप सबको काउंटिंग करना तो बहुत पसंद होगा ना? प्यारे बच्चों, जब आपकी मम्मा आपको पैसे देती हैं, तो आप काउंट तो करते हैं ना? कि ये कितने पैसे हैं? तो आज हम काउंटिंग सीखेंगे. My dear students. मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी और ये स्टोरी होगी 1 की. काउंटिंग में जो सबसे पहला नंबर आता है वो है 1. जी हाँ, एक दफा एक 1 बॉय था, उसके पास 1 टॉय था. ठीक है, 1 बॉय के पास 1 टॉय था और उसका एक फ्रेंड था 1 रेड. ठीक है, 1 रेड उसका फ्रेंड था और उसके सर पे 1 हैट होती है. 1 बॉय का एक फ्रेंड 1 रेड है और उसके सर पे 1 हैट है और उनका एक थर्ड फ्रेंड भी होता है. ठीक है, उनकी एक थर्ड फ्रेंड है, वो है 1 हेन. 1 हेन, 1 हेन के पास 1 पेन है. 1 बॉय का फ्रेंड 1 रैट, 1 रैट के पास 1 हैट है, 1 हैट है. ठीक है, जो कि उसने सर पे पहनी होती है. उनकी एक थर्ड फ्रेंड भी होती है 1 हेन. 1 हेन के पास 1 पेन होता है. ये हमारी स्टोरी है. अब इस स्टोरी को क्यों ना हम राइम में करें. 1 बॉय हैविंग 1 टॉय, 1 बॉय हैविंग 1 टॉय, 1 rat having 1 head, 1 rat having 1 head, 1 hen having 1 pen, 1 hen having 1 pen. प्यारे बच्चों, देखें इस सारी हमारी स्टोरी में, और हमने इसको एज अ राइम भी किया, लेकिन इसमें बार बार 1 1 1 रिपीट हो रहा है. तो क्यों ना अब हम 1 लिखना सीखें कि 1 लिखते कैसे हैं. Every student take out your maths book, open page number 15. Numbers. हमारा टॉपिक क्या है जी? Numbers. Unit number 4 है. Write 1. हमने 1 write करना है. Trace and write 1. हमने पहले सबसे पहले क्या करना है कि हमने trace करना है. ये देखिए, उन्होंने हमें 3 times dot में लिख के दिया हुआ है और इन dots को हमने ट्रेस करना है और देन हमने फिर खुद राइट करना है. ठीक है, चले हम राइट करना स्टार्ट करते हैं कि 1 लिखते कैसे हैं. 1 कैसे राइट करना है. स्टार्ट फ्रॉम द टॉप एंड ड्रॉ अ स्टैंडिंग लाइन डाउनवर्ड, दिस इज 1. कितना इजी है 1 राइट करना. ये देखिए प्यारे बच्चों, इस लाइन से आपकी पेंसिल नीचे ना जाए, यहां तक आपने राइट करना है. एक दफा अगेन हम फिर से राइट करेंगे. स्टार्ट फ्रॉम द टॉप एंड ड्रॉ अ स्टैंडिंग लाइन डाउनवर्ड, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो आपकी. वी राइट अगेन, ड्रॉ अ स्टैंडिंग लाइन डाउनवर्ड. एक दफा फिर से हम लिख लेते हैं. अब यहाँ पे हमने ट्रेस नहीं करना, खुद हम लिखेंगे. स्टार्ट फ्रॉम द टॉप एंड ड्रॉ अ स्टैंडिंग लाइन डाउनवर्ड लाइक दिस. जी हमने 6 टाइम, ठीक है, मैंने राइट किया. और ये स्टूडेंट्स जो अब ब्लॉक्स रह गए हैं, उनमें आप सब ने खुद राइट करना है. अब यहाँ पे नीचे उन्होंने एक ये एक डायग्राम दिया है, इसमें हमने कलर करना है. चलें जी, अब हम कलरिंग स्टार्ट करते हैं. देखिए 1 रेड है, अब 1 रेड में हम कलर करेंगे. रेड के अंदर हमने कलर करना है जी. सबसे पहले रेड के अंदर हमने कलर कर लिया जी. रेड के सर पे 1 हैट है जी. रेड के सर पे 1 हैट है. अब हम 1 हैट के अंदर कलर करेंगे जी. हाँ, 1 हैट के अंदर हमने कलर कर लिया. 1 हैट के अंदर हमने कलर किया. ठीक है, उसके पास एक नेट है, ये 1 नेट है उसके एंड में, उसके अंदर हमने कलर किया. अब हम बटरफ्लाईज के अंदर कलर करेंगे.
ये रैट किसके ऊपर बैठा हुआ है? एक जेट के ऊपर, वन जेट। हमने इनके अंदर कलर कर लिया। जी डियर स्टूडेंट्स, पेज नंबर 15 पे हमने वन ट्रेस किया और फिर थ्री टाइम हमने खुद राइट भी किया, देन हमने कलर किया और जो ब्लॉक्स रह गए हैं उनके अंदर आपने खुद राइट करना है। और पेज नंबर 16 है आपकी बुक का नेक्स्ट, ये वाला पेज है, यहाँ पे आपने वन राइट करना है। देन ये आपकी एक एक्टिविटी है, ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, ड्रॉ लाइन फ्रॉम वन टू ईच हैविंग वन ऑब्जेक्ट। आपने लाइन ड्रॉ करनी है उस ऑब्जेक्ट के पास जहाँ पे वन होगा, ठीक है, वन ऑब्जेक्ट जहाँ पे होगा वहाँ पे आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है और देन आपने कलर कर देना। ये आपने काम खुद घर से करना है। नाउ एवरीवन टेक आउट योर मैथ्स नोटबुक, राइट द डे विद द हेल्प ऑफ योर मदर, राइट डेट, टेक द होमवर्क, राइट द टॉपिक। आवर टॉपिक इज काउंटिंग, ठीक है, हमने वन राइट करना है। वन कैसे लिखते हैं प्यारे बच्चों, हम अभी राइट करेंगे। आपने क्या करना है कि जो आपकी नोटबुक का पेज है उसके जो फर्स्ट वाले ब्लॉक हैं उनको आपने स्किप कर देना है और मार्जिन लाइन के साथ जो ब्लॉक्स हैं उनको भी स्किप करना है। आपने यहाँ स्टार्ट करना है, ये जो लाइन है इससे हमने लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम द टॉप एंड ड्रॉ अ स्टैंडिंग लाइन डाउनवर्ड, हमने टॉप से स्टार्ट किया और हमने एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ की, ठीक है, नीचे की तरफ, और यहाँ पे आके हमने इस लाइन तक हमने स्टॉप कर दिया। इस लाइन से पेंसिल हमारी नीचे नहीं गई और ये क्या था, वन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। फिर एक ब्लॉक छोड़ेंगे और उसके नीचे हम फिर से एक दफा वन राइट करेंगे। स्टार्ट फ्रॉम द टॉप एंड ड्रॉ अ स्टैंडिंग लाइन डाउनवर्ड लाइक दिस, ये भी हमने फिर से एक दफा वन राइट किया। एक दफा फिर से हम राइट करते हैं जी, एक ब्लॉक फिर आपने छोड़ना है और नेक्स्ट ब्लॉक में आपने राइट करना है स्टार्ट फ्रॉम द टॉप एंड ड्रॉ अ स्टैंडिंग लाइन डाउनवर्ड, ठीक है प्यारे बच्चों। थ्री टाइम हमने राइट कर लिया, अब एक दफा हम फिर राइट करते हैं। अब तो आप सबको राइट करना आ गया होगा, बहुत अच्छे से आप सबको समझ आ गई होगी कि वन कैसे राइट करते हैं। स्टार्ट फ्रॉम द टॉप एंड ड्रॉ अ स्टैंडिंग लाइन डाउनवर्ड, ठीक है। इस तरह आप सब ने सारे पेज पे इसके साथ साथ आपने वन राइट करना है और उसके साथ साथ आपने क्या करना है कि बुक के जो आपने आपके पेज नंबर 15 और 16 है उस पे आपने वन ट्रेस भी करना है और राइट भी करना है और कलर भी करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने काउंटिंग की और हमने क्या किया, वन, हमने वन की स्टोरी सुनी, हमने एज अ राइम भी पढ़ा और हमने बुक पे भी वन राइट करना सीखा, देन हमने नोटबुक पे राइट किया। आप सब ने नोटबुक पे राइट करने के साथ साथ आपने रफ रजिस्टर पे भी वन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सी यू, अल्लाह हाफिज़।